हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। आज हम करेंगे एक न्यू चैप्टर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसे हमें बस समझना है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? इट मींस मनी स्पेंड ऑन समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम मनी स्पेंड करते हैं, कोई भी सामान खरीदने के लिए या फिर किसी का पेमेंट करने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, रेंट देने के लिए, सैलरी देने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए एंड फिक्स्ड एसेट खरीदने परचेज करने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं, फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? इट मीन्स मनी स्पेंड बाई अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्वायरिंग और परचेजिंग फिक्स एसेट्स। कोई भी बिजनेस फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए अगर पैसा खर्च करती है तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। इससे अगर परचेज करने के लिए कंपनी पैसा खर्च करती है तो वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बेनिफिट्स हम देख लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ थिएटर कन्वर्टेड इन एयर कंडीशन थिएटर। एक थिएटर में पहले एसी नहीं था, अब उसमें एसी लगा दिया गया है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, अब पब्लिक ज़्यादा उस थिएटर में आ रहे हैं। सेकेंड, इट विल हेल्प टू गेट लोन और फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक वेरी इजी बाई मॉर्गेज ऑफ एसेट्स क्रिएटेड बाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। मॉर्गेज मीन्स गिरवी रखना होता है। अगर हमारे पास कंपनी में एक मशीन है तो वो हम बैंक में गिरवी रख के उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं। थर्ड हम देखते हैं, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर बेनिफिटेड फ्रॉम रीसेल प्रॉपर्टीज ऑन लॉन्ग टाइम बेसिस लाइक लैंड परचेज एंड लेटर सोल्ड ऑन हायर प्राइजेस। इट मीन्स किसी कंपनी ने एक ज़मीन खरीद ली, जो ज़मीन का वैल्यू था 10 लाख रुपीज़, वो ज़मीन 5 साल बाद, 6 साल बाद बिक रही है 20 लाख में। जमीन की वैल्यू बढ़ गई, जमीन हमने परचेज किया था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। आफ्टर 5 ईयर हम इसे बेच रहे हैं तो 20 लाख में बिक रहा है ये, तो इससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2-3 साल में एक बार होता है। अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस टू रन द बिजनेस एंड टू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस। इट मींस कंपनी में जो डे टू डे या फिर मंथली खर्चे होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और फिक्स्ड एसेट खरीदने के बाद उनको मेंटेन करने में जो खर्चे होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑफ 5 लाख। दिस मशीन रिक्वायर्स रूटीन मेंटेनेंस ऑफ 2000 ईच मंथ। एक कंपनी ने मशीन परचेज की, फिक्स्ड एसेट परचेज की, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड एवरी मंथ उस मशीन को मेंटेन करने में, मीन्स मशीन को की ऑयलिंग करवाने में, मशीन की साफ सफाई करवाने में 2000 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो ये जो खर्चे हैं 2000 वाले, इससे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। एंड ये 5 लाख वाला खर्च, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि ये 5 लाख से मशीन परचेज करी गई है एंड ये 2000 से उस फिक्स्ड एसेट को मेंटेन किया गया है। इसके डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, एंड टू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट ऑफ बिजनेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये मंथली खर्चे, डे टू डे खर्चे होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जब कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज करती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंपनी ने गुड्स खरीदा तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। रॉ मटेरियल खरीदने को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे और फिक्स्ड एसेट खरीदने को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। अ न्यू मशीन इज परचेज, 60,000 रुपीज 800 वर स्पेंट ऑन इट्स कैरेज एंड 1500 वर पेड एज वेजेस फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। यहाँ एक मशीन परचेज करी गई, 800
कैरेज दिया गया एंड 1500 इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो ये मशीन को शॉप से फैक्ट्री तक लाने में जितने भी खर्चे हैं ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसका जनरल एंट्री हो जाएगा मशीन टू कैश। तीनों अमाउंट को हम ऐड करके यहाँ दोनों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, अ सम ऑफ 10,000 वर स्पेंट ऑन पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। यहाँ न्यू फैक्ट्री को पेंट किया जा रहा है, फैक्ट्री बनी उसके बाद फर्स्ट टाइम उसमें पेंट हो रहा है तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट होता है तो यहाँ फिक्स्ड एसेट बन रहा है तो यहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता अ सम ऑफ 10,000 वर स्पेंट ऑन पेंटिंग दी ओल्ड फैक्ट्री, अगर ओल्ड फैक्ट्री को पेंट किया जाता तो वो मेंटेनेंस में आ जाता एंड ये रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाता। फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। यहाँ देखिए 1500 वर स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ मशीन, ओल्ड मशीन थी उसके रिपेयर में 1500 खर्च हुआ है तो ये मशीन को फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने में खर्च हुआ है तो ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही फर्क होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में खर्च किया जाता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे और मंथली जो खर्चे होते हैं कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं एंड फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से लॉन्ग टाइम बेनिफिट होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमें 1 ईयर प्रॉफिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3-4 साल में एक बार होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे मंथली ये होता रहता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक नोट्स बनाया था, आप चाहो तो अपनी कॉपी में ये नोट्स कर लो, बहुत इजी हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आज मैंने फर्स्ट टाइम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।